नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जीके जीएस मंथन चैनल में आपका स्वागत है। 19 जुलाई 2024 से 22 जुलाई 2024 तक बीपीएससी द्वारा आयोजित TRE3 री एग्जाम यानी टीचर्स के लिए जो री एग्जाम आयोजित किया जा रहा है और इस एग्जाम में जो भी कैंडिडेट हैं उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, गुड लक। आप सभी निश्चित रूप से उत्तीर्ण हो। आज इस वीडियो में जो 19 से 22 जुलाई तक एग्जाम होगा TRE3 का, उसमें एक पद पर कितना कंपटीशन रहने वाला है, आप उस पद के लिए कहां हैं, इसको एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन से समझने का प्रयास करते हैं कि एक पद के लिए कितना कंपटीशन रहने वाला है। पद के अनुसार प्राइमरी यानी प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में अलग अलग रिक्तियां हैं, अलग अलग कैंडिडेट हैं। कुछ कैंडिडेट दोनों और तीनों के लिए होंगे। तो बीपीएससी TRE3 री एग्जाम 2024 एक पद पर कितना कंपटीशन रहने वाला है समझिए। अब देखिए, जो शिक्षक हैं किस स्कूल के लिए, किस क्लास के लिए, उनका पद कितना है, उसमें कैंडिडेट्स यानी आवेदक कितना है और अनुपात एक पद पर कितने आवेदक होंगे। प्राथमिक स्कूल के लिए यानी प्राइमरी स्कूल के टीचर के लिए कुल पद जो है, वैकेंसी जो निकाला गया है, उसमें 28,026 पद के लिए ये प्राथमिक स्कूल के लिए बहाली है, जिसमें 1,60,644 1,60,644 एप्लीकेंट हैं यानी आवेदक हैं। तो 1,60,644 आवेदक और पद है 28,026। तो अनुपात है इसमें 5.73 यानी लगभग 6 के करीब, 6 से कम, यानी एक पद के लिए 6 अभ्यर्थी हैं, 6 कैंडिडेट, थोड़ा सा कम, 5.73 यानी एक पद पर 5 कैंडिडेट, 6 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। दूसरा है मध्य विद्यालय यानी मिडिल स्कूल, मध्य विद्यालय यानी मिडिल स्कूल, जो मिडिल स्कूल है क्लास 6 to 8, इसमें देखिए जो कुल पद है ये 19,645 पद के लिए ये बहाली है TRE3 में, 19,645 पद है। अभ्यर्थी है इसमें कैंडिडेट देखिए 2,13,940
सर्वाधिक कैंडिडेट मिडिल स्कूल के लिए हैं, 2,13,940 स्टूडेंट हैं, तो अनुपात है इसका 10.89, 10.89 यानी लगभग 11। तो मिडिल स्कूल के लिए एक पद पर लगभग 11 स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं। 19,645 पद के लिए 2,13,940 लगभग 11 स्टूडेंट एक पद के लिए फाइट कर रहे हैं। माध्यमिक स्कूल जिसको हम लोग 9th और 10th कहते हैं, हाई स्कूल, इसके लिए जो शिक्षक बहाली है उसमें देखिए 16,970 कुल पद है। हाई स्कूल 9th 10th शिक्षक के लिए 16,970 पद के लिए परीक्षा होगी, और इसमें देखिए कैंडिडेट 1,44,735 1,44,735 कैंडिडेट है, और इसका अनुपात है 8.52 यानी 8.5 से थोड़ा अधिक। तो हाई स्कूल माध्यमिक शिक्षक के लिए एक पद पर 9 से थोड़ा कम 8 से अधिक 8.5 स्टूडेंट हाई स्कूल के एक पद के लिए फाइट कर रहे हैं। अब है उच्च माध्यमिक 11th 12th हायर सेकेंडरी जिसको बोलते हैं, 11th 12th यानी हायर सेकेंडरी स्कूल के शिक्षक के लिए कुल पद निकाला गया था 22,373 22,373 पद के लिए ये बहाली होगी परीक्षा, जिसमें कुल कैंडिडेट हैं 61,986 और इसका अनुपात है 2.77। सबसे कम फाइट प्लस टू स्कूल के टीचर के लिए है 2.77, 3 से कम, यानी एक पद पर 3 से भी कम कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। ये प्लस टू के लिए सबसे कम फाइट हो रहा है। प्लस टू में जो भी कैंडिडेट हैं वो थोड़ा सा भी बल लगा दीजिएगा तो नौकरी आपके हाथ में हो जाएगी, ये सारे में। और कुल की बात करें, अब सब पर निकालना है तो कुल पद देखिए जो विज्ञापन जारी हुआ 87,709 जिसमें कुल कैंडिडेट हैं आवेदक 5,81,305 और इसका औसत है देखिए 6.62, यानी कि कुल में अगर देखें तो एक पद पर 6.5 उम्मीदवार 6.5 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। इसमें सबसे टफ है देखिए फाइटिंग मध्य विद्यालय यानी मिडिल स्कूल के लिए 10.89 और सबसे आसान है फाइट प्लस टू स्कूल के लिए 2.77। ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन था, ये आपको परीक्षा में बूस्ट अप करेगा क्योंकि फाइट कम है, कम फाइट है जनरल एग्जामिनेशन से। और अगर आप थोड़ा सा भी इसमें पुश कर दीजिएगा तो नौकरी आपका कदम चूमेगा। एक बार फिर
19 से 22 जुलाई बीएपीएससी ट्री के सारे आवेदकों सारे अभ्यर्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं, गुड लक, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।